नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। झांसी की गुरसरान्य भव्य कांवर यात्रा 7 अगस्त को हजारों कांवरिया के साथ निकाली जाएगी बेतवा नदी से जल भरकर। खबर उत्तर प्रदेश के झांसी के गुरसराय में श्री राम दूत शिव सेवा समिति कांवर यात्रा के तत्वाधान में एक बैठक पंडित सुरेंद्र कुमार व्यास की अध्यक्षता में श्री कल्याण वाल विद्या मंदिर में सम्पन्न हुई, जिसमें 7 अगस्त को विशाल कांवर यात्रा निकाले जाने पर सहमति बनी। बैठक में बोलते हुए कांवर यात्रा प्रमुख पंडित सुरेंद्र कुमार व्यास ने बताया कि 7 अगस्त को पुराने बस स्टैंड से बसों के द्वारा कांवरिया एच बेतवा घाट के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके बाद वहां से सैकड़ों कांवरिया जल भरकर पैदल बैंड बाजों एवं डीजे के साथ नगर में प्रवेश करेंगे, जहां पर श्री कल्याण बाल विद्या मंदिर में स्थित प्राचीन भीमाशंकर महादेव पर जलाभिषेक किया जाएगा। इसके बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। वही कांवर यात्रा तैयारियों को देखते हुए प्रशासन भी हर जगह अपना मौका मुआयना कर रहा है। कांवर यात्रा को देखते गरौठा तहसील के क्षेत्र अधिकारी अरुण कुमार चौरसिया ने भीमाशंकर मंदिर व बेतवा नदी और रास्तों का निरीक्षण किया। कांवरियों को रास्ते में कोई व्यवधान न आए, प्रशासन पूरी तरह चुस्त और दुरुस्त है, हर पहलुओं पे नजर रख रहा है। आइए जानते हैं रामदूत शिव सेवा समिति अध्यक्ष सुरेंद्र व्यास व व्यापारी नेता सतीश चौरसिया ने क्या कहा। झांसी संवाददाता ऋषभ कनकने की रिपोर्ट। नगर में कांवर यात्रा निकलती है तो नगर में क्या माहौल रहता है? धार्मिक माहौल रहता है और सारे नगर के लोग भक्तिमय हो जाते हैं उस दिन, और ऐसा होना चाहिए। भारतीय संस्कृति में लोगों को धर्म से जोड़ना है। जब लोग धर्म से नहीं जुड़ेंगे तो हमारी बुराइयाँ हमारे अंदर की नहीं जाएंगी। धर्म से जुड़ेंगे, बुराइयाँ दूर होंगी, अच्छाइयों की ओर चलेंगे। जब ही हम समाज का है और समाज हित होगा, जब ही हमारा भारतवर्ष पूरे विश्व में नंबर वन होगा और ये सारे नगर गुरसराय के लोग एक साथ मिलकर के और इसमें सहयोग करेंगे और भव्य इस बार और भव्य जे कांवड़ यात्रा निकाल रखी गई है। कांवड़ यात्रा के संबंध में क्या रूपरेखा तय की गई है और कितनी संख्या रहेगी? संख्या अंगली पर हमारी 1000-1000 कांवड़िया था, अब इस बार भूले जितना करते हैं ज्यादा हो जाए, हम लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं 1500 कांवड़िया हो जाए, फिर भोले की ऊपर है कितने कांवड़िया होते हैं। और क्या है इसमें झांकी वगैरह? इसमें झांकी रहेगी भोलेनाथ की, पार्वती माता की, उनके गल रहेंगे। कितने साल से कार्यक्रम चल रहा है? ये कार्यक्रम का 5वीं साल है भैया, 4 कांवड़ यात्रा हो चुकी है, ये 5वीं है। बीच में 2 कांवड़ यात्रा कोरोना की वजह से बंद रही 2 वर्ष।